नमस्कार दोस्तों, जरहाट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नन्हे बच्चों की नजर को कैसे उतारें, आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 10 उपाय बताएंगे जिनके जरिए आप अपने बच्चों की नजर उतार सकते हैं। यह सारे 10 उपाय पारंपरिक एवं पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो कि हमारी नानी, दादा, दादी, उनके भी दादा दादी इस्तेमाल करते आए हैं। अक्सर कभी भी बच्चों को नज़र लग जाती है तो ये उपाय हमारे पुराने समय से आजमाते आ रहे हैं। तो आइए आप भी जान लीजिए कि अगर बच्चों को नज़र लग गई है तो उनकी नज़र को कैसे उतारें। अक्सर कुछ बातें अंधविश्वास मान लिए जाने पर भी उनका असर दिखाई पड़ता है, जैसे नज़र लगना मानसिक भ्रम और अंधविश्वास भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब बहुत छोटे बच्चे अचानक से इससे पीड़ित होते हैं तो विश्वास करना पड़ता है कि छोटे बच्चों को दृष्टि बैठती है। बच्चों को नज़र इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि वे आकर्षक, सरल, सहज और कोमल होती हैं। इसलिए इनको नज़र जरूर उतारनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इनकी नज़र कैसे उतारें। पहला उपाय, बच्चे नाजुक होते हैं इसलिए उनकी नज़र भी भगवान पर चढ़े नाजुक फूल, शक्कर या दूध से उतारी जा सकती है। एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़ा फूल लेकर बच्चे पर से 11 बार उतारें। इसे किसी भी गमले में डाल दें, नज़र का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे ही दोनों हाथों में शक्कर से नज़र उतारी जाती है। मुट्ठी में शक्कर लेकर सिर से पैर तक दोनों हाथों से गोल घुमाते हुए नज़र उतारें। उसके बाद उसे तुरंत बाहर वॉश बेसिन में तेजी की धार के साथ फेंक दें या फिर बाहर जाके कहीं गली में फेंक दें। इससे बच्चों को लगी मीठी नज़र गलती है और दूध में मिश्री डालकर 7 बार उतारें और शिवजी के मंदिर में रख दें। इससे भी बच्चों की नज़र कट जाती है। दूसरा उपाय है, आप राई, नमक, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके व सूखी मिर्च अंगारे पर डालकर उस पर आग को बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाने से बुरी नज़र का दोष मिटता है। लेकिन यह उपाय सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक छोटे से कंडे में आप हल्का सा कंडे को सुलगा लीजिए और उसमें फिर ये सभी चीज़ें डाल के बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारिए। तीसरी चीज, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और उनके कंधे पर से थोड़ा सा सिंदूर लाकर नज़र पीड़ित बच्चे के माथे पर लगा दें। इससे बच्चे की बुरी नज़र का प्रभाव कम हो जाता है। चौथा उपाय, स्तनपान करते हुए बच्चे को नज़र लग जाती है। ऐसे समय इमली की 3 छोटी गोलियों को लेकर आग में जलाकर नज़र लगे बच्चे के माथे पर से 7 बार घुमाकर पानी में बुझा देना चाहिए। इससे भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। पाँचवा उपाय, भोजन पर लगी नज़र किसी विशेष सामग्री के प्रति बच्चों में अरुचि पैदा कर देती है। तैयार भोजन में से थोड़ा थोड़ा एक एक पत्ते पर लेकर उस पर गुलाब छिड़क कर रास्ते में रख दे, फिर बच्चे को खाना खिलाएं, इससे नज़र उतर जाएगी। छठा, लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में आग लेकर जलाएं, फिर उसकी धूप नज़र लगे बच्चे को दें। किसी प्रकार की नज़र हो वह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगला उपाय जान लेते हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए प्रति शनिवार बच्चे के ऊपर से झाड़ू या उसी के बाएं पैर की चप्पल या जूता लेकर 7 बार उल्टे क्रम में उतारें और दरवाजे की दहलीज पर 3 बार झाड़कर अंदर आ जाएं। यह भी नज़र उतारने का बहुत पुराना और पारंपरिक एवं पौराणिक तरीका है। आइए आठवां उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, बच्चे को नज़र लग गई है और हर वक्त परेशान व बीमार रहने लगा है बच्चा, तो लाल साबुत मिर्च को बच्चे के ऊपर से 3 बार वार कर चलती आग में जला देना चाहिए। इससे व्यक्ति की नज़र तुरंत उतर जाती है और बच्चा बीमारी से दूर हो जाता है। नौवां उपाय, बच्चा दूध पीने में यदि आनाकानी करे तो शनिवार के दिन कच्चा दूध उसके ऊपर से 7 बार वार कर कुत्ते को पिला देने से बुरी नज़र का प्रभाव दूर हो जाता है। यदि आप काले कुत्ते को पिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दसवां और आखिरी उपाय, यदि कोई बच्चा
नजर दोष से बीमार रहता है और उसका समस्त विकास रुक गया है तो फिटकरी एवं सरसों को बच्चे पर से 7 बार वार कर चूल्हे में झोंक देने से नजर उतर जाती है। यदि यह सुबह, दोपहर एवं शाम तीनों समय करे तो एक ही दिन में नजर दोष दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको छोटे बच्चों की नजर उतारने के 10 पौराणिक एवं पारंपरिक उपाय बताए। आप इनको आजमा के जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह भी इन उपायों से अपने बच्चे की नज़र उतार पाए। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।